आदि पुरुष को लेकर और कितने सारे वीडियोस बनाना है बताओ कमेंट पे। तो आज भी अपन लेकर आ गया आदि पुरुष रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो तुम्हारे साथ डिस्कस करने में मुझे मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर वन, क्या लगता है आदि पुरुष के ट्रेलर में जो जो चीज हमसे छुपाया गया है क्या वो एक्चुअली मूवी में इम्प्रूव हो सकता है? क्वेश्चन नंबर टू, रामायण जैसे कहानी होने के बाद भी आदि पुरुष से ज्यादातर ऑडियंस क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या लगता है आदि पुरुष को लेकर डायरेक्टर ओम राउत के विजन में कोई प्रॉब्लम है? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर फोर, क्या लगता है आदि पुरुष इस टाइम में सक्सेसफुल नहीं हुआ, अच्छा खासा ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, तो क्या आने वाले टाइम में कोई फिल्म मेकर रामायण के ऊपर मूवी बनाएगा? वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे माइंड से जरूर रिलेट कर पाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि टीजर के जो माल हमसे ट्रेलर में छुपाया गया है क्या वो मूवी में एक्चुअली इंप्रूव होगा? देखो भाई, मैं कोई वीएफएक्स स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और सीजीआई के बारे में मुझे घंटा कुछ नॉलेज नहीं, बट सालों से तुम्हारा भाई मूवीज देखते आ रहा है तो कुछ चीजों को नोटिस करने से लेकर एक आइडिया जरूर हो गया है कि किसको ठीक किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता है। उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग मेरा कहना है कि प्रभास के बॉडी शेप में, सिक्स पैक एब्स में, उनके बॉडी को थोड़ा सा बदलाव करके नेचुरल दिखाना लगभग पॉसिबल है। सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में जो सारे सीन सिनेरियोस तुम्हें देखने को मिलता है उनको इम्प्रूव करना पॉसिबल है। कलर ग्रेडिंग से लुक एंड फील में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया जा सकता है जो तुम इस शॉट में देख भी सकते हो, बट CGI से क्रिएटेड इन कैरेक्टर्स को नेचुरल दिखाना, उनके लुक एंड फील में बदलाव लाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि मूवी के शूटिंग चलने के दौरान ग्रीन स्क्रीन यूज करके ग्राफिकली उन कैरेक्टर्स के मूवमेंट को क्रिएट करके रेडी किया गया, तो उनके मूवमेंट में बिल्कुल ही एक अलग बदलाव लाने के लिए फिर से सेट डिजाइन करके शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा, जो कि घंटा पॉसिबल नहीं है और 700 करोड़ वैसे भी दाव पर लगा है। फिर भाई इन कैरेक्टर्स को ये लोग ठीक करने जाएंगे तो भाई मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा उसका बजट हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मुझे माफ कर देना। अरे तुम ही बताओ, इनको वाकई इंप्रूव किया जा सकता था तो इनको ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया? तो तुम्हें भी मूवी देखने से पहले अपना दिमाग की एक्सपेक्टेशन का चाबी अपने हाथ में रखना होगा और ये सोचकर मूवी देखने जाना होगा कि जो हमने टीजर में देखा था उसको पॉलिश करके दिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण जैसे कहानी होने के बाद भी ऑडियंस क्यों इस मूवी से उतना कनेक्शन नहीं बना पा रहे? इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए बहुत लोग शायद बोलेंगे कि श्री राम के अवतार में प्रभास बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे, बट इस बात से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि भाई भगवान श्री राम के अवतार में हमने आज तक कितने ही एक्टर्स को देखा है। ज्यादातर लोग भगवान श्री राम के अवतार में इस चेहरे को पहचानते हैं और ये रामायण मूवी आया था 1961 में, तो इसी को देखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उस टाइम में उस एक्टर के बदले कोई और एक्टर उस कैरेक्टर को प्ले करते तो हम वही कहते कि वो सबसे बेस्ट था, और इसी तरह हम आज के टाइम में प्रभास को श्री राम के अवतार में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट आज से लगभग 10 साल बाद रामायण के ऊपर जब कोई भी मूवी नहीं आएगा तब हम बोलने में मजबूर हो जाएंगे कि प्रभास बेस्ट था, यही रियलिटी है बॉस। और रामायण के साथ कनेक्ट ना करने का और एक कारण है, उसका कारण है आज तक इतना बड़ा मैसिव वर्ल्ड बिल्डिंग करके किसी ने रामायण को एक्सप्लोर नहीं किया है, इसीलिए सारी चीजों को फील करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगे। और एक बात, हर एक एक्टर एक्ट्रेस के खुद की पर्सनैलिटी को हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा पहचानते हैं, इसीलिए बॉलीवुड की कृति सैनन एज सीता और भाई सैफ अली खान एज रावण हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रामायण के विजन को लेकर डायरेक्टर उमड़ाउत में ही कोई प्रॉब्लम है? देखो भाई, जब ब्रह्मास्त्र रिलीज हुआ था तब हमने डायरेक्टर आयन मुखर्जी के विजन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के कॉन्सेप्ट को उन्होंने ही क्रिएट किया है और ओवरऑल स्टोरी लाइन के साथ वर्ल्ड बिल्डिंग उनके माइंड के अंदर है, बट आदि पुरुष में उमड़ाउत का कॉन्सेप्ट उस ब्रह्मास्त्र से बिल्कुल भी अलग है। रामायण जिस कहानी के हर एक मोड़ हमें पता है, इसीलिए डायरेक्टर यहाँ पर अपना क्रिएटिविटी से कहानी में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं ला सकता, तो इसी लिमिटेड कहानी के हिसाब से उन्होंने आदि पुरुष मूवी को क्रिएट किया है। रामायण रिलेटेड कैरेक्टर्स में वो ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, बट मूवी के वर्ल्ड बिल्डिंग उनके विजन पर टिका हुआ। एग्जांपल ले सकते हो तुम रामायण के कहानी के अंदर लंका को कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद तुम सोच सकते हो कि राम सेतु को कैसे क्रिएट किया जाएगा, मूवी के हर एक फ्रेम में किस किस तरीके की सिनेरियोस को वो फिट करेंगे। ऐसे ही रामायण के बहुत सारे चीज उनकी इमेजिनेशन पर टिका हुआ है और उन्होंने क्या क्या गलती किया है इसी के बारे में मैंने वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आदि पुरुष को आज के टाइम में सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या फ्यूचर में कोई रामायण के कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी बनाएगा? देखो भाई, मुझे जितना लगता है ये बात एक फिल्म मेकर के कॉन्फिडेंस पर टिका हुआ। आदि पुरुष सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले रामायण के और भी मूवी सक्सेसफुल नहीं होगा। हो सकता है कि आदि पुरुष ने जो जो मेजर गलती किया है उस गलती को सुधार के आने वाले कोई फिल्म मेकर रामायण के ऊपर मूवी बनाएंगे तो वो उनको सुधार लेंगे, बट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि डायरेक्टर की इमेजिनेशन के साथ ऑडियंस का इमेजिनेशन मैच होना चाहिए,
जो कि कभी तो नहीं हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इतना अच्छा बेहतरीन कहानी होने के बाद भी कोई भी फिल्म मेकर रामायण के ऊपर कहानी बनाने का हिम्मत नहीं कर पाया, वो रिक्स कोई लेना ही नहीं चाहता। तो इसी बात से शायद ओम राउत भाई साहब को एक एप्रिसिएशन जरूर मिलना चाहिए कि उन्होंने ये साहस दिखाया। हाँ, जानता हूँ कि आदिपुरुष रिलेटेड अभी तक मैंने जितने ही वीडियोस बनाए हैं तुम्हें सभी वीडियोस अलग अलग लगे होंगे। तुम्हें जरूर लग रहा होगा कि इस वीडियो में ये बंदा नेगेटिविटी फैला रहा है, तो इस वीडियो में तारीफ कर रहा है, तो इस वीडियो में कोई और बता रहा है, क्या हो रहा है ये? भाई बात को समझा करो, कोई तुम्हारे माइंड की तरह नहीं सोचेगा, कोई और तरीके से भी सोचेगा, तो उसके हिसाब से भी तो मुझे वीडियोस बनाना पड़ेगा, इसीलिए वीडियोस अलग अलग होते हैं। तो तुम मेरे इन चार क्वेश्चन के आंसर के साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाए हो तो भाई तुम्हें एक लाइक जरूर करना पड़ेगा। और हाँ, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो क्या कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छे खासे रील्स पोस्ट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।